तो मेरी सल्लू, कैसी लगी मेरी मजनूगिरी? इसे मजनूगिरी नहीं, फालतूगिरी कहते हैं। और वैसे भी जब सब इतना शेरो शायरी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक चिपका डालती है। चाचा, ये शेर स्पेशली आपको और पटाका चाची को डेडिकेटेड है। चाची, जरा इधर आ। ले आ गया। और फरमाइएगा। हाँ। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। चाचा गौर फरमाइए। चाचा मत बोल। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। अंगूर का मजा अब मुझे किशमिश में आ रहा है। अरे उसके ज्यादा पास मत जाओ, उसको अफरा पड़ जाएगा, जाग निकाल के तुम्हारा शेर गंदा कर देगा। वैसे मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। इरशाद, इरशाद, इरशाद। थप्पड़ मार रहा हूँ मुझे, क्या इरशाद? तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम मुझे कितना भी रोको, तुम्हारे सपनों में आने के लिए लड़ूंगा। भाई लड़ने तो दे। तुम मुझे कितना भी रोको, तुम्हारे सपनों में आने के लिए लड़ूंगा, और अंगूर की तरह 7,640 पप्पियां करूंगा। अरे कोई शेर इसको खा क्यों नहीं जाता रे? बेटे, ये घटिया शेर मारने वालों की क्या हालत होती है, ये आजकल सोशल मीडिया में खूब चल रहा है, ये देख ले। देख लिया बेटे। हाँ? अब बच के रहना, चलो सल्लो। अरे उसको छोड़ो, रहने दो। क्यों? मेरे घर आके झाड़ू तू मारेगा? अरे झाड़ू छोड़ो, इसके लिए तो मैं किसी को भी मार दूंगा। ये बात तूने अगर पहले बोली होती ना, तो मैं दिखा देता। आज मेरे पास टाइम नहीं है तुझ जैसे दुष्ट के मुंह लगने का। यूएसए से फेसबुक का फाउंडर आया है मुझसे कुछ सलाह लेने। क्या फेंक रहे हो चाचा, कितना फेंक रहे हो? ओए हड़का दिखता हूँ, पर हड़के में मत लेना। तुम्हें पता है फेसबुक को व्हाट्सएप खरीदने का आइडिया किसने दिया? किसने? तुम्हारे चाचा ने। शायद दूसरा आइडिया लेने के लिए आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। हाँ। मेरा मूड आज बहुत खराब है। हाँ? मुझे कोई काम के लिए मत बोलना। ए, तेरे नाटक फिर से शुरू हो गए। अब आज क्या बहाना बनाओगी? अभी मैं मार्केट से ना मजनुओं की क्लास लेके आ रही है। हाँ। ये चीचा से तो कुछ होता है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। अरे तो कभी कभी इसके साथ भी कुछ किया करो, इस बंदर को भी ठीक करो। इसको तो मैं ऐसा ठीक करूंगी कि शीलाजीत भी काम नहीं आएगी इसे। और इसकी होने वाली बीवी इसको भाईजान भाईजान बुलाएगी। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे श्याम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो चाचा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।